क्लास 10th है ये हमारा, चित्र नंबर 31 है। सिंगार मेज है, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं उसको। तो इसकी पेपर डिवीज़न आपने ऐसे करनी है, ये लंबाई ऊंचाई की तरफ को करनी है, थोड़ा पेज बड़ा लगेगा इसमें। तो ये देखिए पेज बहुत बड़ा लगा हुआ है इसमें, तो हम उसको थोड़ा वो नीचे कर लेते हैं। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने ये स्केल में देखना है, ये जो आपकी स्केल है यहाँ पे, इसको देख लें। यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 55 है ये। यहाँ से देखिए यहाँ तक 55 है, ये 55 काटना है आपने। और फिर बाद में आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ यहाँ 31, इधर भी 31 है और इधर भी 31 है, ये भी इकट्ठा काट लेंगे। इसके साथ में ये साइड में इधर देखिए, ये साइड में 2 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर है। तो पैसा सबसे पहले हम 55 पे निशान लगाएंगे। तो ये 55 आ गया अब इसके ऊपर। ऐसे 55 पे निशान लगा दिया, और इस साइड में 55 पे निशान लगा लेना है आपने। साइड पे 55 पे निशान लगा लिया, स्केल थोड़ी लंबी है ये। फिर हम इसमें अब ये लाइनें मिला देंगे 55 55 वाली। ये आपकी आप लाइन बीच में थोड़ा हल्का रखना, भी थोड़ा पक्का लगा दिया, बीच में छोड़ दिया खाली। और ये लाइन लगा दी इसी तरह, ये लाइन आपकी पक्की रहेगी, यहाँ से साइड में पक्की रहेगी ऐसे ये लाइन। अब आपने इस पॉइंट से यहाँ एलिवेशन में यहाँ से 31 काटना है, यहाँ से 31 काट लें और इधर भी 31 काटना है, पूरा 31 के ऊपर निशान लगाना है। इसी तरह नीचे प्लान में चले जाएंगे, अब प्लान में भी 31 के ऊपर निशान लगा लें। यहाँ ये निशान लगा लिया 31 पे हमने, इधर से भी 31 पे निशान लगाना है, पूरा 31 के ऊपर ऐसे। अब इकट्ठी लाइनें खींचनी है, ये लाइन आपकी एलिवेशन में भी आएगी, एलिवेशन में भी सीधी आ जाएगी लाइन, ये ऐसे लाइन सीधी निकल जाएगी ये ऐसे। और प्लान में भी लाइन डार्क आएगी आपकी, ऐसे प्लान के बीच में भी इसको डार्क लगा दें। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड पे जो 31 किया हुआ आपने, ऐसे 31 को 31 के साथ मिला देना है आपने, ऊपर भी डार्क रहेगी और प्लान में भी लाइन डार्क रहेगी आपकी, जैसे ये लाइन आपकी प्लान में भी डार्क रहेंगी ऐसे। अभी आपने 55 पे निशान लगाया हुआ है, ये थोड़ा रफ कर लें इसको। अब देखिए आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ 2 सेंटीमीटर काटना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर काटना है। यहाँ नीचे भी आपने इस पॉइंट के ऊपर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ प्लान में यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगाना है। दो एक एक और ये दो, एक और ये दो, और साथ में 1 सेंटीमीटर और ऐसे निशान लगा दें। अब आपने ये प्रोजेक्शन 2 वाला डायरेक्ट ले आना नीचे उतार के, ऐसे सेट किया इसको, इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे, ये लाइन बाहर की भी डार्क रहेगी इसी तरह। 1 सेंटीमीटर वाला जो निशान लगाया वो उसको भी लगा दें आप, 1 सेंटीमीटर वाली लाइन भी लगा दें इसके साथ मिला दें नीचे भी। यहाँ पे ये लाइन पक्की रहेगी और इसमें ये लाइन आपकी डॉटेड रहेगी। अब आपने प्लान के बीच में ही आपने इधर भी निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ भी लाइन निकाल दें। ये दो वाली दो के साथ मिलानी है और एक वाली एक के साथ मिलानी है आपने, ऐसे सेट किया हुआ है इसको। दो वाली लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन आपकी इसके बीच में रहेगी जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ 2 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी और इसके बाद आपकी 1 सेंटीमीटर की लाइन लग जाएगी इसमें, यहाँ पे आपकी 1 सेंटीमीटर की लाइन लग जाएगी। ये पक्की लाइन नहीं लगेगी आपकी डार्क, इनको इसके साथ मिला दें और दो वाली को दो के साथ ऐसे टर्न कर दें इसको ऐसे।
अब आपने अब आ जाइए यहाँ पे इसमें द्वारा। अब देखिए अब एक एक खाना पकड़ लें। देखिए यहाँ से ये देखिए, अब ये लाइनें डबल की हुई हैं, ये लाइन ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो इनको भी हमने काटना है और दो दो सेंटीमीटर की हैं ऐसे। और तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और नीचे प्लान में डॉटेड आएंगी। इसी तरह इसके अंदर की तरफ को हमें 2 सेंटीमीटर काटना है। देखिए पैमाने इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर फिक्स कर लें। ये भी आपने 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ है, इसको चेक कर लें। अभी 2 सेंटीमीटर का आपका इतना ही बनना चाहिए, ऐसे रखा। अब आपने देखिए यहाँ भी 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा दें, यहाँ भी आपने 2 सेंटीमीटर निशान लगाना है, यहाँ पे भी निशान लगा दें और प्लान में भी लगा दें सही। ये लाइनें आपकी प्लान में उतर जाएंगी। ये हुआ, अब इसमें दूसरी साइड पे आ जाएं, इधर भी आपने ऐसे ही 2 पे निशान, फिर आपने इसमें निशान लगाना है, इधर भी ऐसे ही आपने प्लान के बीच में भी निशान लगा दिया और ये निशान लगा दिया। अब इनको आप मिला दें आपस में, ये तो बाद में कुछ लाइनें पहले आप लगा दें, इनको बाद में कुछ मिटाने भी पड़ेंगी। प्लान के बीच में ये डॉटेड रहेंगी और एलिवेशन में तो ये लाइन क्लियर रहेगी आपकी। जैसे सेट कर लिया इसको, यहाँ ही कुछ लाइनें मिटाने पड़ेंगी, पहले लगा लें आप ऐसे और इसमें ये डॉटेड लगा लें। प्लान में लाइन डॉटेड आएगी, इसी तरह इस दूसरी लाइन में ला लें, रखा ये लाइन क्लियर और यहाँ पे ये डॉटेड। इसी तरह दूसरी साइड ये लाइन यहाँ पे आपने डार्क मिलानी है और इसमें आपने ये डॉटेड दिखानी है प्लान में, इस लाइन को भी डॉटेड डार्क कर लें, यहाँ इस लाइन को यहाँ तक डार्क कर लें। अब ये साइड्स एक लाइन और रहेगी, ये इसमें ये लाइन भी लगा दें। कुछ लाइनें मिटाने पड़ेंगी बीच बीच में से, वो अब आपको बाद में बताएंगे कौन कौन सी लाइनें मिटानी हैं। ऐसे ये लगा दिया हमने, अब इधर क्रॉस की हुई हैं लाइनें, ये देखिए अब ये लाइनें इधर को भी क्रॉस की हुई हैं, ये तो ये साइड में भी दिखेंगे आपको 2-2 सेंटीमीटर की इधर। तो जहाँ जहाँ जो बोला हुआ है, यहाँ से पहले 2 सेंटीमीटर काटते हैं फिर इधर से काटते हैं, तो हमने अब सबसे पहले इसके इधर आ जाएंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर काट लेंगे इसको, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ साइड में से भी 2 सेंटीमीटर काट लेंगे। 2 का तो आपने ये खोला हुआ है, ऐसे रखा चेक कर लिया और यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया और इधर भी ये 2 पर निशान लगा दिया। अब इस लाइन को मिला दें फुट्टे की सहायता से, ये लाइन इसके बीच में रहेगी, यहीं रखनी है, ये इसके बीच में रहेगी, ये भी इसी के बीच में रखनी है और ये पूरे में लगा देनी है आपने डॉटेड ऐसे। अब इसके निचले हिस्से में चले जाएं, यहाँ पे यह लिखा हुआ है यहाँ से ऊपर की तरफ कोई 5 है, ये भी 5, यहाँ देख लीजिए इसको नीचे से 5 छोड़ा हुआ है, ये 5 तो ये लाइन आपकी सीधी आ जाएगी इसके ऊपर, 5 के बाद 2 तो ये लाइन सीधी आ जाएगी। तो पहले आप 5 सेंटीमीटर काट लें अपने पैमाने की सहायता से, ये रखा और यहाँ 5 के ऊपर सेट कर लिया इसको, पूरा रखा इसको ऐसे सेट कर लिया 5 के ऊपर
और ये पाँच पे हमने लगा दिया निशान, और इधर साइड में पाँच के ऊपर निशान लगा लें, ये पाँच पे निशान लगा लिया। अब इस ये पाँच के ऊपर आप दो काट लें साथ में, या आपने डिवाइडर तो खोला हुआ है तो यहाँ दो के ऊपर निशान लगा लिया और यहाँ भी दो के ऊपर निशान लगा लिया। तो ये लाइन में आपस में मिला दें और ये एलिवेशन में डार्क रहेगी और साइड में लाइन डॉटेड रहेगी। एलिवेशन में ये लाइन आपकी ऐसे ये यहाँ भी आ जाएगी, इसके बीच में भी आ जाएगी और इसके बीच में भी आ जाएगी, और यहाँ ये लाइन आपकी डॉटेड रहेगी। ये जो आपकी साइड है, साइड के बीच में ये लाइन आपकी डॉटेड रहेगी। इसी तरह इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ है, वो भी कंप्लीट कर लें। ऐसे इसके ऊपर हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ निशान, तो इसको भी मिला दें सीधा पुट्टे की सहायता से। इस लाइन को बीच में रखना है, पूरे में लगानी है, ऐसे ही इसमें लगानी है, और ये यहाँ भी मिला दें और यहाँ लाइन डॉटेड प्लान साइड में। अब ये लाइन डॉटेड आएंगी आपकी। अब आपने ये भी लगा लिया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो स्पेस है इसके बीच में 14 की है, तो ये भी 14 ही है, ये भी 14 ही है, 14 के बाद 2। ये आपने यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर अब 14 के बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 का ही है, तो ये भी लाइन इकट्ठी आ जानी है आपकी। जैसे ये लाइन इकट्ठी आई, अभी ये लाइन भी आपकी इकट्ठी आ जाएगी, तो ये लाइन भी आपकी इकट्ठी लग जानी है। अब इसको लगा लेते हैं हम, ये लाइन ये देखिए, यहाँ से ये 14 ही लिखा है यहाँ पे, तो सब 14 के होने हैं। ये भी 14 का ही है, ये भी 14 का ही है, और ये भी 14 का ही है, 27x14 के बने हुए हैं ये। तो ऊंचाई अब यहाँ से फिर हमने ऊपर से 14 काट सकते हैं या नीचे से भी 14 काट सकते हैं, तो 14 काट लेते हैं इसमें। यहाँ रखा अपना पैमाना, 14 के बाद 2 है, ऐसे रखा और लगा दिया निशान, 14 के बाद 2 है, तो 2 पे भी निशान लगा दिया ऐसे। इसी तरह जब लगाएंगे 14 के बाद 2 यहाँ ले गए, 14 के बाद 2 ये 14 सेट कर लिया इसको, यहाँ 14 के बाद फिर 2 सेंटीमीटर काटना है, तो ये भी लाइन खींच दें। ये आपकी प्लान में साइड में भी चली जाएगी लाइन, ये लाइन साइड में भी चली जाएगी। पहले एलिवेशन में पक्का कर लें, और यहाँ भी ये लाइन आ जाएगी आपकी इसके बीच में भी, और यहाँ भी ये लाइन आपकी पक्की रहेगी, और इसके बीच में आपने इसको साइड में डॉटेड दिखा देना है। इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर काटा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर, इसको मिलाएं, ये भी मिलाना है आपने, और इसके इसको मिला दें, डार्क मिलेंगे ये, और यहाँ ये डॉटेड रहेगा, साइड में ये लाइनें आपकी डॉटेड रहेंगी। छोटे छोटे डॉट लगाने हैं सुंदर ढंग से ऐसे। अब अगला स्टेप हमारा, इसके ऊपर फिर 14 काटना है, या ऊपर से काट लो 14 या नीचे की तरफ से, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से 14 काट लें इसको ऐसे, हमने एक नीचे से काट लेते हैं इसको, 14 इधर से रखा ऐसे 14, और फिर इसके ऊपर 14 के ऊपर फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर 14 के ऊपर फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे निशान लगा दिया, 14 यहाँ से यहाँ तक 14 फिर 2 सेंटीमीटर। अब इसको भी मिला लेना है आपने, और साइड में ये लाइन आपकी डॉटेड रहेगी, बड़ी स्केल है, बड़ा पेज है इसके लिए, थोड़ा ड्राइंग शीट के ऊपर भी सेट नहीं है, इस कैमरे में भी ढंग से नहीं बैठ रहा है ये, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आ जाए इसमें।
ऐसे। अब ये लाइन यहाँ नहीं है, इसके बीच में नहीं है, और यहाँ है, यहाँ है, और इसके बीच में आपने ये डॉटेड दिखानी है। इसी तरह इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर और भी है, तो ये भी लगा दें। ये यहाँ पक्का रहेगा, ये इसके बीच में, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, और इसके बीच में ये आप डॉटेड रहेगा। अब आप देखिए, अब इसके बाद यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ उसने, इसके बाद यहाँ, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं, इधर भी 2, तो इधर भी 2 ही होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन है इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो आपने अब ये लाइनें आपकी यहाँ यहाँ आ गया हम दोबारा, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, और ये आपका प्लान में भी रहना है, प्लान में भी रहेगा ये 2 सेंटीमीटर आपका। तो यहाँ रखा इसको, यहाँ आपने 2 सेंटीमीटर लगाया हुआ निशान पहले ही, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर इसमें लगा दिया इधर से, और यहाँ भी लगा दिया, तो यहाँ भी लगा दें इसको प्लान में भी ऐसे, इधर भी और इधर भी प्लान में लगा दें इसे ऐसे। अब फुट्टे की सहायता से आप इसको मिला दें, इतना काम कर लें अभी, ये ऐसे रखा इसको, और इसको भी डार्क मिलाना है यहाँ, और प्लान में ये लाइन आपने डॉटेड ही लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ऐसे, ये 2 सेंटीमीटर काटा हुआ है ऊपर, और इसके बीच में भी ये डार्क रहेगा, और यहाँ ये डॉटेड रहेगा सारे में ऐसे, इसमें लाइन लगा दें डॉटेड। तो अब हमारा ये स्केल का पहला पार्ट तैयार है, अगला हिस्सा हम सेकंड पार्ट में करेंगे, तो इतना कर लें। ओके, देख लें इसको एक ढंग से, कहाँ कहाँ क्या चीज़ आनी है, 2 सेंटीमीटर हर जगह 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ये देख लें।